स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत मध्य रेलवे मुंबई डिवीजन ने अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड बना लिया। अपनी यात्रा से लौटी वंदे भारत एक्सप्रेस को मात्र 14 मिनट में अपनी दूसरी यात्रा पर जाने के लिए नए यात्रियों के लिए पूरी तरह स्वच्छ और साफ सुथरा करके तैयार कर दिया। इसे 14 मिनट्स मिरेकल घोषित किया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेल का नया चेहरा बनती जा रही है। लोगों को इसमें यात्रा करने की काफी क्यूरियोसिटी रहती है। ऐसे में वंदे भारत से यात्रा करने वाले यात्रियों को स्वच्छता के मामले में सबसे बेहतरीन अनुभव प्रदान करना भारतीय रेल के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। तो इसी के चलते इस साल 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत मध्य रेलवे ने इसी उद्देश्य को तेज गति में अंजाम देने का ठान लिया है, ताकि वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टेशन पर आने के बाद अपनी अगली यात्रा में कहीं भी स्वच्छता के मामले में कोई कमी ना बचे और वो जल्द से जल्द नए यात्रियों की सेवा में तत्पर रहे। वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आखिरी स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स पे आने से पहले ही हमारी सफाई टीम तैयार हो चुकी थी और उन्हें मार्गदर्शन किया जा रहा था। इधर ट्रेन दादर से निकलते ही ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ ने खाली हुई सीटों से और यात्रियों से छूटा हुआ कचरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ताकि अंतिम स्टेशन पर तैनात टीम को जल्द से जल्द अपना काम समाप्त करने में आसानी हो। हर कोच के अंदरूनी सफाई के लिए 2 कर्मचारी तथा बाहरी सफाई के लिए 1 कर्मचारी समर्पित किया गया था, ताकि ट्रेन के सभी कोचेस की बारीकी से सफाई की जाए। गाड़ी के स्टेशन पर आते ही और यात्रियों के उतरते ही छिड़ गई स्वच्छता के लिए वक्त के खिलाफ जंग। बाहरी सफाई में हर विंडो ग्लास को पानी और वेट स्वीपिंग के जरिए साफ किया गया, ताकि यात्रियों को वंदे भारत से नज़ारे देखने में कोई दिक्कत ना आए। साथ ही साथ गाड़ी के अंदर दूसरी टीम ने अपना काम शुरू करके सूखा कचरा इकट्ठा कर ड्राई स्वीपिंग से शुरुआत कर दी। इसी के साथ उनके साथी कर्मचारियों ने सीटों और उनके कप ट्रे की सफाई करके उन्हें प्रॉपरली अरेंज करना शुरू कर दिया। ड्राई स्वीपिंग समाप्त होते ही खिड़कियों को साफ करना और विंडो ब्लाइंड को अरेंज करना शुरू हो चुका था। अब बारी थी लैबोरेटरी क्लीनिंग की और उसकी रिफिलिंग की। इसी के साथ साथ वंदे भारत की दूसरी कैटेगरी के कोच यानी एग्जीक्यूटिव कोचेस का काम भी इसी समय शुरू कर दिया था। इन कोचेस में फ्लोरिंग बाकी कोच से अलग कारपेट के होने के कारण डायसन मैट क्लीनिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। एग्जीक्यूटिव कोच के हर फोल्डिंग कप ट्रे को खोल के उसे साफ करके वापस बंद स्थिति में रखा गया। और सब काम होते ही एक बार पक्के तौर पर पूरी तरह सुनिश्चित करने के बाद ये टीम बाहर आई। यह सब पूरा होने में 14 मिनट का वक्त दर्ज किया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। इस चुनौती को हासिल करने से यह पता चलता है कि हमारे भारतीय रेल और उनके समर्पित कर्मचारी यात्रियों को किसी भी हालत में बेहतर से बेहतर सेवाएं और अनुभव देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसे बना मध्य रेल का 14 मिनट मिरेकल। यह था एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम बेहतर भारतीय रेल की ओर।